हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है इस नई वीडियो में। बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल एंड एएसआई का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट है 6 सितंबर 2022 तक रखा गया है। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताना चाहूंगा फॉर्म फिलअप से पहले, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस हो। यहाँ पे जो फॉर्म है वो मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो पोस्ट है, पहला जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है एंड दूसरा जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट है। अगर आप सिंपल 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एज जो है मिनिमम जो है 18, मैक्सिमम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। और अपर एज में SC ST कैंडिडेट से तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, बाकी इंप्लॉय अगर आप है ऑलरेडी BSF के तो इनको देखिए यहाँ पे अलग से छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप एक बार जरूर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने से पहले चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी विषय से, भले वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि स्किल टेस्ट आपके कंडक्ट करे जाएंगे, जैसे ASI का जो है शॉर्ट हैंड जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट जो है स्किल टेस्ट के तौर पे लिया जाएगा, जो कंप्यूटर टाइपिंग होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइट के बारे में बताया गया, चेस्ट के बारे में बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया। तो अगर आप बताइएगा तो मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फिलहाल हम इस वीडियो में जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है डिफेंस जॉब पोर्टल का, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ने का जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहीं पे आपको अप्लाई लिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से जो है वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कॉर्नर पे जो है एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट्स लॉगिन का, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपना ईमेल आईडी, पहले से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और इसको जो है आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके जो है लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो सिंपल यहाँ पे रजिस्टर हेयर का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना पूरा नाम लिखना है, जिस तरह से मैट्रिक पे है उसी तरह से, उसको से मोबाइल नंबर, उसको से ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है ओटीपी चला जाता है, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से आपको अब अपना जो है आइडेंटिटी डिटेल्स को चूज करना है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, इसमें से जो भी आपके पास है उसको आप चूज करेंगे और उसकी संख्या को यहाँ पे जो है लिख देगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। मान लीजिए आप आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार नंबर लिख देंगे, अगर आप पैन कार्ड चूज करेंगे तो पैन नंबर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल जानकारी पूछी जा रही है, जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप चूज करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी उम्र ऑटोमेटिक शो हो जाती है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे बतानी है, आपके फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद से बॉडी में एक परमानेंट, एक जो है अस्थाई पहचान चिन्ह आपको बतानी है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, ये कोई भी हो सकता है, आप इसको जो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बतानी है कि मेल है या फीमेल है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड है, ये चीज आपको बतानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना रिलीजन बतानी है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन, सिख क्या है। कैटेगरी आपको बतानी है, जैसे कि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जो भी आप कैटेगरी यहाँ पे चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या देना होगा। उसकी वजह से सर्टिफिकेट इशू डेट, मतलब सर्टिफिकेट इशू स्टेट, कौन स्टेट आपका सर्टिफिकेट इशू किया है वो चूज करेंगे। उसके वजह से कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने जो सर्टिफिकेट इशू करवाया है, और उसके वजह से जो है प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बहुत सारे, तहसीलदार है, उसके वजह से SDM है, उसके वजह से और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जो भी आपके पास ऑप्शन है उसे चूज करेंगे। उसके वजह से कब आपने जो है प्रमाण पत्र जारी करवाया है वो चीज आपको यहाँ पे जो है चॉइस करनी है। एक चीज ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व से आएंगे तो ये जानकारी नहीं पूछेगी, अगर आप SC ST OBC से आएंगे तो ये सब जानकारी आपको भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सब कैटेगरी, अगर आप जो है विकलांग है तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे देखिए नो रहेगा। हालांकि BSF है तो BSF में विकलांग लोगों की वैकेंसी नहीं होती है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए यस करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, सिंपल नो है। फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल विभागीय कैंडिडेट्स हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो बताएंगे नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करनी है, 7 नेक्स्ट करते ही अब आपको अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे आपका जो है एड्रेस डिटेल्स भरना है। पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया, अब आप दूसरे स्टेज पे आ गए हैं।
इसी तरह से सभी स्टेज को हम बारी बारी से आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस इजीली आप फिल करेंगे, विलेज, पोस्ट, थाना, सभी चीज को अच्छे से भरेंगे, पिन कोड, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, अपना विलेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे आपको जो है लिखने का ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसके वजह से पूछ रहा है कि क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है परमानेंट की तरह, इसको सेम सेम टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाता है। इसके बाद से यहाँ पे आपको सेम है नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद से अब आधार डिटेल्स आपका खुल जाता है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या आपके पास ऑलरेडी एनसीसी प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको जानकारी भरनी है। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी जो है मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम बताना है फ्रेंड्स, 170 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, जो भी आपकी हाइट है यहाँ पे आपको बतानी है। उसको से आपका चेस्ट कितना है, छाती, केवल ये मेल को ही यहाँ पे बताना है चेस्ट के बारे में जानकारी। उसके वजह से वजन आपको बताना है कि आपकी वजन क्या है। उसके वजह से पूछ रहा है ब्लैक लिस्टेड डिक्लेरेशन, क्या आपको ऊपर कोई जो है क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपको सेवन नेक्स्ट करेंगे, सेवन नेक्स्ट करते ही अब देखिए यहाँ पे आपको अपना जो है क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। तो देखिए बारी बारी से सभी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे, पहले हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, मतलब जहां तक आपने पढ़ाई किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है, तो सिंपल यहाँ पे जो है मैट्रिक पहले चूज करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, कब आपने जो है पास आउट किए हैं मैट्रिकुलेशन ये बताएंगे, फिर आपको राज्य चूज करना है, किस राज्य से आप जो है मैट्रिक पास किए हैं, फिर आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि आपका स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीआईसी है, उसको चूज करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आपका देखिए यहाँ पे जो है मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो आप यहाँ पे पेंसिल का बटन मिल रहा है, आपको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट कब आपने पास आउट करे हैं इसको बताने हैं, फिर आपको राज्य बताना है किस राज्य से आपने पास किया है, फिर यहाँ पे आपको जो है अपना बोर्ड का नाम बताना है, तो ये मैं चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए ऐड होते ही यहाँ पे देखिए 12वीं की जानकारी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको अगर और एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आईटीआई या डिप्लोमा या और कोई, तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं इसी तरह से। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करनी है, नेक्स्ट करने के बाद से फ्रेंड्स अगला स्टेप यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछ रहा है, क्या आप सेवारत हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, इसको भी आप सेव कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब आपको यहाँ पे जो है अपना फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर को अपलोड करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है अपना फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन का जो है सर्टिफिकेट हाई स्कूल का या मैट्रिकुलेशन का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का जो है सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है। कैसे अपलोड करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से जो खुल के आएगा, आप यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको चूज करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका फोटोग्राफ शो हो जाएगा। उसी तरह से सिग्नेचर को भी क्या करेंगे, इस तरह चूज करेंगे और सिग्नेचर जो भी आपका है उसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी का इमेज आपको अपलोड करनी है, बिल्कुल फ्रेश, नया, लेटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट को, फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करनी है, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से जो है आपको लिखेगा प्रोफाइल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और इस तरह से जो है आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा, गाइडलाइंस देखने को मिलेगा। आप इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोफाइल अपडेट जो है 100% दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। करेंट रिक्रूटमेंट जो अभी चल रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे आप लॉग इन है तभी ये शो हो रहा है, नहीं लॉग इन होते तो नहीं दिखाता। फिर आपको अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे, अब आपको पोस्ट की च्वाइस करनी है कि आप कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसको चूज कर लेते ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाएगा, आपको यहाँ पे जो है यस कर देनी है। ये पूछ रहा है कि आपको हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग आती है, इतना वर्ड पर मिनट, उसके अकॉर्डिंग, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको यस करनी है। यहाँ पे आपको जो है श्रेणी बतानी है कि आप जो है ऑल कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल कैटेगरी से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इन सब जगहों से आते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप एसटी से आते हैं तो एसटी चूज करेंगे, तो जनरल वाले जनरल यहाँ पे सिंपल चूज करेंगे, आपकी हाइट वगैरह शो होगी। फिर आपको सेवन नेक्स्ट करनी है। सेवन नेक्स्ट करते ही अब आपको यहाँ पे जो है प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिखने देना है जहां से आपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो है चूज करना है आपको अपना एग्जाम सेंटर, कहाँ पे आप एग्जाम सेंटर प्रेफर करेंगे देना, वो देखिए यहाँ पे शो होता है, दिल्ली है, इंदौर है, श्रीनगर है,
उड़ीसा है, त्रिपुरा है, गुवाहाटी है, तो जहां आपको नियरेस्ट लगे, जम्मू में भी है, यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में भी है, तो जहां आपको नियरेस्ट लगे आप इसको चूज करेंगे। और उसके बाद से आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे शो होता है, इसको आपको डिक्लेयर करना है। इसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। एक चीज ध्यान देंगे, पे नाउ पे क्लिक करने से पहले आप एक बार इस अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है वो आपने सब चीज सही सही दिया है कि नहीं दिया। अगर कुछ भी गलती है तो हर एक स्टेप में एडिट का बटन मिलेगा, आप एडिट कर सकते हैं, बैक भी जाके आप एडिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं। इस तरह से डिक्लेरेशन आएगा, आपको एग्री एंड पे पे क्लिक करना है। अब आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपको देखिए कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, पेटीएम वॉलेट का मिल जाता है। इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शंस है आप इस ऑप्शंस को चूज करेंगे और अपना जो है सक्सेसफुली पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो है इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है बीएसएफ जो मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, एएसआई की वैकेंसी निकाली गई है, उसको आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।